सुनो, मैंने माँ से बात कर ली है, तुम भी पापा से बात कर लो। आज से 3 महीने दादाजी हमारे साथ रहेंगे और दादी तुम्हारे साथ। हाँ भैया, अब हम इनके नखरे और नहीं सह सकते। तीन महीने हो चुके हैं तुमसे मिले हुए, पर ऐसा लगता है कि सदियां गुजर चुकी है। हाँ, और आज मैं इस घर से निकलकर उस घर और तुम वहां से निकलकर इस घर, लेकिन सुनो, हमारी ट्रेन कुछ पल के लिए एक ही स्टेशन रुकेगी, क्यों ना हम ये कुछ पल साथ में बिता लें। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हो गई है ना, नजर कमजोर हो गई है। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुला से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। बच्चों की जिंदगी सवारते सवारते हमने अपनी जिंदगी खो दी है, क्यों ना इस बचे हुए पलों को साथ में जी ले। लग जा गले कहना चाहूँगी कि बहुत ही बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनको अपने पेरेंट्स का जो सेवा है वो करने का मौका नहीं मिलता या वो करना नहीं चाहते। आप उस प्यार को जान ही नहीं सकते या समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप खुद पेरेंट्स नहीं बनते। जो न्यूक्लियर फैमिलीज में पले बड़े हैं जैसे मैं जी, जब आपकी शादी होती है जॉइंट फैमिली में तो यू डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली लिव विथ इन लॉज, बहुत सच बात है, लेकिन जब आपका बच्चा होता है ना तो फिर आपको जॉइंट फैमिली में रहने का जो फ़ायदा होता है और जो वैल्यू पता चलता है इट इज़ अनबिलीवेबल। क्योंकि आपके बाद अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं वो आपके माता पिता है, आपके सास ससुर है, क्योंकि वो जितना करेंगे आपके बच्चे के लिए, जो वैल्यूज़ देंगे आपके बच्चे को वो इनकम्पेरेबल है। तो रियली आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फॉर
ग्रैंड पेरेंट्स, और आप दोनों हैं ही इतने टैलेंटेड, तो कहना ही पड़ेगा आप चारों इतने टैलेंटेड है कि ये एक्ट मेरे लिए सुपर से ऊपर वाला था। थैंक यू मैम। ये कहानी मैं पहले देख चुकी हूँ, 3 घंटे की फिल्म बनी थी एक बागबान, लेकिन उस कहानी को 2 मिनट में या 2.5 मिनट में बच्चों से करवाना, आप लोगों ने पता नहीं कौन सी हदें पार कर दी आज मेरे दिमाग, मेरे पास तो शब्द भी कम पड़ रहे बोलने के लिए। हर मोमेंट बहुत खूबसूरती से वो घड़ी बनाना, उनका चश्मा गिर जाना और इनका चश्मा उठा के उनको लगा देना, और फिर द लिरिक्स टू फॉलो आफ्टर दैट, वो सहारा बनना एक दूसरे का, और एंड में जाके वो पीछे से हाथ पकड़ना, स्टनिंग सुपर कोरियोग्राफी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम, स्टुपेंडो फैंटास्टिक, फैंटास्मगोरिकली मैजिकल, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग। छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी चीजें, वहां पे आपका बेंच पे बैठ के आप लोगों का मोमेंट वाज सो ब्यूटीफुल। मेरे फेवरेट 2 डांसर्स हैं, कियोन एंड मारियल, उनकी याद दिलाई आपने यार, आई लव्ड वाचिंग देम एंड आई लव्ड वाचिंग यू बोथ एंड यू वर बेटर देन देम। मैंने ये भी देखा है कि आपने नगाड़ा संग ढोल पे आपने रोबोटिक्स किया था पहले, तो ये मैं सीखना चाहूंगी आपसे। आपका हुक्म सराखों पर। But before that, जी, क्योंकि गीता मैम और मेरे जो जो रिलेशनशिप है मेरी पहली फिल्म से, और जो गाना मैंने किया था धूमताना, वो इन्होंने ही मुझे सिखाया है। ये खुद मुझे ट्रेन करती थी, डांटती थी, कॉम्प्लीमेंट करती थी। मतलब आप चाहती हैं, वही बात, आप चाहती हैं कि ये भी आपके साथ रोबोटिक्स करे, क्योंकि मैं आपके मन की बात पढ़ सकता हूं। आइए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.